जो सामने पेड़ है ये 5 पेड़ का एक ही पेड़ है, जितने भी गंड मूल के बच्चे पैदा होते हैं वो जहाँ यहाँ पे जो है छात्रावास भी है और यहाँ पे छोटे बच्चों भी है। चैनल मैं हूँ सूर्या और आज मैं लेके आई हूँ एक छोटा सा ट्रैवल व्लॉग होगा। तो आज हम जाने वाले हैं नरसिंह टेंपल जो कि पड़ता है गढ़वाल में। बहुत सुना है इस टेंपल के बारे में, ये जो मंदिर है काफी जो है पुराना है। सो अभी निकलने लगे हैं और साथ में जो अभी का व्लॉग है वो मैं अकेले नहीं बना रही क्योंकि मेरी साथ में फैमिली भी है, साथ में मम्मा पापा वो सारे गाड़ी में बैठे हैं, मैं उन सबसे भी मिलाती हूँ आपको। सो चलते हैं, बहुत लेट निकले हैं, अभी 2:30 बज चुके हैं क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था। तो अभी हम निकले हैं, एक आधा घंटा हमें लग जाएगा, चलते हैं। बाकी जो इन्फो है वो मैं आपको वहाँ जाके बताती हूँ और एक्सप्लोर करते हैं एक नई जगह हमारे जम्मू रीजन की। सो लेट्स गो। हेलो, तो अभी हम पहुंच गए हैं नरसिंह धाम गढ़वाल में। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 50 मिनट, मतलब आप एक घंटा लगा के चलिए, 1 आवर हमें लग गया पहुंचते पहुंचते। और आप मेरे बैक साइड में देखिए, तो चलते हैं अंदर और देखते हैं मंदिर की हिस्ट्री और जानते हैं इसके बारे में ढेर सारी बातें। सब लेट्स गो। मैं विजय टकोत्रा, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन हूँ जहाँ गढ़वाल में। तो ये हमारा नरसिंह धाम गढ़वाल जो मंदिर है, नरसिंह मंदिर, सदियों पुराना ये मंदिर है और बहुत ही ऐतिहासिक जगह है ये। जब हमारे यहाँ जो सरोटा वाले राजा थे तो वो यहाँ शिकार करने आए तो जहाँ एक महात्मा जी पेड़ के नीचे बैठे थे, ये जो सामने पेड़ है ये 5 पेड़ का एक ही पेड़ है, तो उन्होंने इनको शिकार करने से मना किया तो राजा जी माने नहीं। वो राजा जी आप अपने महल में पहुँचे तो जो शिकार करके ले उधर दुर्गंध ही दुर्गंध हो गई। तो किसी ने बताया कि आपने कुछ पाप किया है, किसी की बात नहीं मानी है, तो वो जहाँ आ गए और उन्होंने फिर उनके शीश झुकाया और ये जितनी भी जगह है पूरा गढ़वाल जो मंदिर को दान में दी और मंदिर के नाम कर दी। और जहाँ साक्षात नरसिंह भगवान की पिंडी है और जहाँ अन्नपूर्णा माता जी की पिंडी है। और बड़ी बात यह है कि जितने भी हमारे जो लोग जहाँ गढ़वाल के आसपास में जितने भी जिमीदार लोग हैं वो जब भी अन्न पैदा होता है, नई फसल आती है तो वो जहाँ आके चढ़ाते हैं, या किसी की गाय और भैंस दूध देना शुरू करती है तो उसका घी और दूध सबसे पहले जहाँ चढ़ाया जाता है। और गंड मूल के जितने भी बच्चे हैं ये हमारे पंजाब से, हिमाचल से और पूरे जम्मू कश्मीर से, बहुत सारे जो जितने भी गंड मूल के बच्चे पैदा होते हैं वो जहाँ नरसिंह भगवान के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं और फिर उनको वापस लिया जाता है। और जितने जब भी उनका कभी जन्मदिन होता है तो हर जन्मदिन में वो जहाँ आते हैं। और बड़ी बात यह है कि जहाँ नरसिंह धाम गढ़वाल में जो 3 इवेंट, बड़े इवेंट मेले लगते हैं, जैसे रथखड़े का मेला होता है तो वो एक हफ्ता मेला चलता है, और पुंछ, रजौरी, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ और दूर दराज के जो लोग हैं वो अपने औजार और अपने प्रोडक्ट बना के यहाँ लाते हैं और उनको यहाँ सेल करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका दिया जाता है। और
वो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं और पूरे साल की रोजी रोटी यहाँ से कमा के लेके जाते हैं। दूसरा एक नरसिंह जयंती का मेला होता है, तीसरा एक जन्माष्टमी का जहाँ मेला होता है। तो हज़ारों की तादाद में जहाँ लोग आते हैं और बहुत चढ़ावा जहाँ होता है अन्न का, घी का, दूध का, और पैसा भी जहाँ बहुत जो अपनी श्रद्धा से लोग चढ़ाते हैं। तो काफ़ी मंदिर में तरक्की भी हुई है और अखंड लंगर चलता है जहाँ। तो जो जितने भी श्रद्धालु आते हैं तो वो जहाँ लंगर ग्रहण भी करते हैं, और जैसे कभी अभी वैष्णो देवी की यात्रा में श्रद्धालु आते हैं वो जहाँ ठहरने की उनकी व्यवस्था कर रखी है। अब जब हमारी अमरनाथ जी की यात्रा चलती है तो जहाँ उनका ठहरने की व्यवस्था कर रखी है और उनके भोजन की व्यवस्था कर रखी है, और जो बाहर से लोग आते हैं अपने गण मूल के बच्चों को जो चढ़ाने के लिए आते हैं उनकी भी जहाँ रहने और बैठने की व्यवस्था कर रखी है। तो ये बहुत ही पुराना ऐतिहासिक दरबार है, तो जहाँ लोगों की बहुत सी आस्था लोगों की जुड़ी हुई है, तो पूरे हिंदुस्तान से जहाँ लोग आते हैं। यहाँ पे सिद्धाष्ट धातु शनिदेव महाराज, यहाँ पे गौशाला भी है। यहाँ पे छोटे बच्चों भी है। जो मैंने पुरानी वीडियोस देखी थी इस मंदिर की, उसमें ये सारा जो एरिया था वो कच्चा था, पर रिसेंटली जो है यहाँ पे टाइल्स वगैरह डली और ये काफ़ी अच्छा हो गया, पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया। दूसरी बात, अगर आप आ रहे हैं तो 2 बजे से पहले आएँ, क्योंकि ये मंदिर जो है 2 बजे से 4 बजे तक बंद रहता है, उसके बाद मंदिर खुलता है। जो है छात्रावास भी है, काफी बच्चे नेपाल से यहाँ आते। नेपाल से क्यों, मतलब स्पेसिफिकली नेपाल से क्यों आते? नेपाल से इसलिए, वहाँ हमारा जो हिंदू मंदिर है और हिंदू लोग नेपाल में रहते हैं, तो उनको और कहीं हेल्प मिलती नहीं थी, तो वो गोगवाल में हमारे वो बड़े सारे बच्चे आते थे, वो छात्रावास में जहाँ ठहरते थे उनको खाने और रहने की व्यवस्था और फ्री एजुकेशन, हमारे जहाँ हाई स्कूल होता था उस वक्त, तो हाई स्कूल में एजुकेशन उनको मिलती थी। तो बड़े सारे लोग जहाँ पुजारी भी बने उन्हीं में से, तो बड़े सारे लोग जहाँ सेवा करने के लिए रहे भी हैं, और बड़े सारे लोग जो अच्छे अच्छे वहाँ उनको नौकरी मिली है और वो आज भी जहाँ आते हैं मंदिर से जुड़े हुए हैं। तो अभी है, अभी भी है? नहीं, अभी नहीं, अभी अभी उनकी गवर्नमेंट से भी काफ़ी हेल्प हुई। ये 10-15 साल पहले, 20 साल पहले जो नेपाल के काफ़ी बच्चे लोग आते थे यहाँ। तो आज का ये रहा हमारा घघवाल का नरसिंह देव टेम्पल, जो कि आपने देखा। मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप जब भी जम्मू आ रहे हैं इस जगह ज़रूर आएँ, क्योंकि ये बहुत प्राचीन जगह है। जैसे कि जितने बहुत ज़्यादा डीप में एकदम पूरी नॉलेज थी हमें, तब जब भी आ रहे हैं इस जगह घघवाल टेम्पल में ज़रूर आए। होप आपको ये वीडियो पसंद आए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी वैसे हम जाने लगे हैं वापस, ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, करें कमेंट करें, और प्लीज़ जो भी जम्मू वाले वीडियो देख रहे हैं एक दूसरे को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस जगह की प्रमोशन हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खाते हैं कुछ।